Hello everyone, welcome to the Voice Institute of English, number one institute for English in North India. Voice Institute of English में आपका स्वागत है. आप देख पा रहे हैं 5 idioms everyday series हमने शुरू किया है और ये 30 days तक सीरीज चलेगा. कुल आपको 30 days में 150 important idioms मिलेंगे. These idioms are very very important for the various examinations like NDA, SSC, CDS, even civil services and also important for spoken English classes. Okay, let us start. Our first idiom is walk in the park. हमारा पहला idiom है walk in the park. Guess करिए क्या हो सकता है इसका meaning. Park में टहलना मुश्किल होता है या tough होता है? Of course, अगर पहाड़ पे टहलना हो तो एक बार टफ हो सकता है, बट पार्क में टहलना काफी इजी होता है बिकॉज पार्क प्लेन होता है. तो वॉक इन द पार्क का मतलब होता है कोई भी आसान सा कार्य. तो मीनिंग इज समथिंग सिंपल और इजी. वॉक इन द पार्क समथिंग सिंपल और इजी. हाँ, सी द यूज कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट रेट इज अ वॉक इन द पार्क compared to doing a regression analysis. Economics वाले बच्चे समझ पा रहे होंगे regression analysis काफी tough होता है और interest rate निकालना इसके comparison में काफी easy होता है. तो interest rate निकालना regression के comparison में क्या है? A walk in the park. Let us come at second idiom. Our second idiom is beat someone to the punch. Beat someone to the punch. Yes, इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से पहले ही कोई काम कर देना. डू समथिंग बिफोर और फास्टर देन समवन एल्स. कोई और कर पाए इससे पहले ही और तेजी से कोई काम कर देना. सी द यूज आई वॉन्टेड टू बाय अ ग्रेट यूज्ड कार. आई सॉ यस्टरडे. मैं एक बेहतरीन पुरानी कार खरीदना चाह रहा था जो मैंने कल देखा था, बट समवन बीट मी टू द पंच. Today it's gone. किसी ने मेरे से पहले ही खरीद लिया, आज ये चली गई, वहां पर नहीं है. Beat someone to the punch, किसी से पहले कोई काम करना. Next, crash a party. बाकी शहरों का तो मुझे नहीं पता, बट हमारे प्रयागराज में ये idiom खूब यूज होता है. ज्यादातर शादी समारोह में आसपास के बच्चे बिना बुलाए पहुंच जाते हैं. इसी को कहते हैं crash a party. To attend a party without being invited. आप बिना invitation के party में अगर पहुंच जा रहे हैं, that is called crash a party. Let's go out and crash a party. चलिए चलते हैं और party enjoy करते हैं जिसमें हमें नहीं बुलाया गया है. There are dozen of parties tonight. आज बहुत सारी शादियां हैं and nobody will be keeping track of guest list. कोई ध्यान नहीं देगा कि कौन आया और कौन नहीं आया. Crash a party, बिना बुलाए किसी पार्टी में पहुंच जाना. Next, hit the books. Hit the books meaning आपको अंदाजा लग रहा होगा किताबों को मारना. तो मारना नहीं बल्कि यहां पढ़ाई से मतलब है. To study, hit the books to study. Okay, I'll come to the party Friday. मैं कब आऊंगा पार्टी में? Friday को. But Saturday it will be time to hit the book. लेकिन शनिवार को मेरे को पढ़ाई करनी है. Next and the last, fifth, hit the hay. Yeah, एग्जाम में पूछा जा चुका है. गेस करिए क्या हो सकता है. हिट द हे. टू गो टू बेड, सो जाना. टू गो टू बेड, बिस्तर पर चले जाना या सो जाना. आई हैव टू गेट अप एट 5 टुमारो मॉर्निंग. कल मुझे सुबह 5 बजे उठना है. इट्स टाइम टू हिट द हे. यही समय है कि मैं सो जाऊं. ओके, प्लीज शेयर ऑन योर फेसबुक. आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा चैनल थोड़ा पॉपुलर हो सके. अभी सब्सक्राइबर्स कम है, 1000 भी नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की हेल्प भी हो सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर प्लीज एवरीवन. थैंक